आप इस विंटर सीजन में सिर्फ इंजॉय करेंगे, क्योंकि मैं बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें लेकर आई हूँ जिसे आप फॉलो करते हो ना तो आपकी स्किन ग्लो भी करेगी और हेल्दी भी रहेगी। तो चलिए वीडियो को लेट ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हाइड्रेटिंग क्लींजर की। और कोई सीज़न होता है तो हम कोई भी फेस वॉश क्लींजर यूज़ कर लेते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट विंटर सीजन में बहुत सोच समझ के हमें फेस वॉश क्लींजर यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि विंटर सीजन में हमारी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाती हैं। तो हमें एक ऐसा क्लींजर यूज़ करना चाहिए जो हमारी स्किन को अच्छी तरह से क्लीन भी कर दे और स्किन को एक मॉइस्चराइज भी मिल जाए। तो चलिए सबसे आसान और सबसे ईजी मैं बताऊँगी, जो कि आपके घर पर ईजिली मिल भी जाएगा, रॉ मिल्क। जी हाँ, रॉ मिल्क। आपको रॉ मिल्क ही लेना है, बॉयल किया हुआ मिल्क नहीं यूज़ करना। आपको लेना है कच्चा दूध और थोड़े से बाउल में लेना है, डीप करना है कॉटन और पूरे फेस पे अप्लाई करना है जेंटली। अप्लाई करने के बाद हल्के हल्के हाथों से आप मसाज भी कर सकती हैं। तो हल्के हल्के हाथों से आपको अप्लाई करना है, हल्के हल्के से मसाज कर सकती हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप कॉटन से वाइप कर सकते हो या फिर नॉर्मल वाटर से फेस को वॉश कर सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था स्किन को अच्छी तरह से क्लीन करना। आपकी स्किन बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी क्योंकि मिल्क इज़ द बेस्ट क्लींजर। अगर आप इसे यूज़ करते हैं विंटर के लिए तो बहुत ही बेस्ट होता है। अगर आपको रॉ मिल्क सूट नहीं करता, कच्चा दूध सूट नहीं करता, तो आप मिल्क से बने बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में, आप उसे परचेज करके अपने फेस पर अप्लाई कर सकती हैं, यूज़ कर सकती हैं। तो ये हो गया हमारा फेस क्लीन। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। विंटर सीजन में हमें ज़्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। तो आपके माइंड में सवाल ये आ रहा होगा, क्यों नहीं नहाना चाहिए? जी हाँ, क्यों नहीं नहाना चाहिए? गर्म पानी से अगर हम नहाते हैं तो हमारे बॉडी में नेचुरल ऑयल भी होता है जो कि गर्म पानी के नहाने से वो भी निकल जाता है, जिसके वजह से स्किन डिहाइड्रेट हो जाती है। तो हमें गुनगुना पानी से नहाना चाहिए, ज़्यादा गर्म भी नहीं है नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, गुनगुना पानी होना चाहिए। गुनगुना पानी नहाओगे तो वैसे आपकी जो स्किन से नेचुरल ऑयल है वो नहीं निकलेगा, आपकी बॉडी जो है, आपकी जो स्किन है वो डिहाइड्रेट नहीं होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, ज़्यादा ही गर्म पानी नहाते हो और आपकी स्किन डिहाइड्रेट हो जाती है, तो उसके लिए भी मैं बताऊँगी एक हैक। तो इसके लिए हैक्स ये हैं कि आप नहाने से पहले अपने स्किन पे, अपने हैंड्स पे, लेग पे, बॉडी पे पूरे अच्छी तरीके से ऑयल मसाज कर लीजिए। अच्छी तरीके से 5 से 10 मिनट तक अच्छे से मसाज कर लीजिए ऑयल से। इससे क्या होगा, जब आप इसे ऑयल से मसाज करके बाथिंग करोगे, नहाओगे, तो इससे क्या होगा, आपकी बॉडी से नेचुरल ऑयल नहीं निकलेगी, जिससे आपकी जो स्किन है वो डिहाइड्रेट नहीं होगी। मैं ये करके भी दिखाऊं कि आप देख सकते हो, इस तरह से नहाने से क्या होगा, स्किन ग्लो करेगी और नेचुरल ऑयल भी नहीं निकलेगा, जिससे आपकी स्किन डिहाइड्रेट नहीं होगी, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम भी आपको नहीं होगी। तो आप ये हैक को ज़रूर ट्राई करें। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो स्क्रबिंग की। जी हाँ, स्क्रबिंग करना तो बहुत ही ज़रूरी है। स्क्रबिंग करने से क्या होता है, हमारी स्किन से डेड सेल्स निकल जाते हैं, हमारी जो स्किन है वो इंस्टेंट ग्लो करती हैं अगर हम स्क्रबिंग करते हैं। तो एक वीक में 2 बार तो स्क्रबिंग बनता है, करना ही चाहिए, चाहे वो विंटर हो या समर हो, करना चाहिए। मगर हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि समर सीज़न में कौन सा इंग्रेडिएंट यूज़ करें और विंटर सीज़न में कौन सा। जो समर में करते हैं वो विंटर में करेंगे तब तो प्रॉब्लम होगी ही ना। तो आपको क्या करना है, विंटर सीज़न में आपको कौन सा स्क्रब यूज़ करना मैं बताती हूँ। DIY जो है बहुत ही अच्छा है, नेचुरल, जो कि आपको ईजिली मिल जाएगा, आप ईजिली अपने घर पर प्रिपेयर लेना कर सकते। 1 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल और 1 टेबल स्पून लेना है आपको कॉफ़ी पाउडर। दोनों को अच्छी तरह से आपको मिक्स करने के बाद जेंटली आपको अप्लाई करना है पूरे हैंड्स पे अच्छी तरह से। अप्लाई करने के बाद उसको है ना स्क्रब करना है आपको जेंटली, ज़्यादा रब नहीं करना, हल्के हल्के हाथों से 5 मिनट्स तक अच्छी तरह से स्क्रबिंग कीजिए। अच्छी तरह से हल्के हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में अच्छी तरह से आप कर लोगे, उसके बाद नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए। इंस्टेंटली आपको रिजल्ट मिलेगा, डेड सेल्स रिमूव हो जाएंगे और आपकी जो स्किन है वो इंस्टेंटली ग्लो करेगी। तो आपको एक वीक में ये 2 बार ज़रूर करना है।
आपकी स्किन प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएगी, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी क्योंकि इसमें डाला गया है कोकोनट ऑयल जो आपके स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगी। अब बात करते हैं डीप कंडीशन की। जी हाँ, जिसके लिए आप जेल का यूज़ कर सकती हैं, मॉइस्चराइज़र का यूज़ करती हैं, क्रीम का यूज़ करती हैं, मगर अगर आप डायरेक्टली प्लांट बेस्ड एलोवेरा जेल यूज़ करती हैं, यकीन मानिए आपका स्किन टोन जो है वो इम्प्रूव होगा, चेंज हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रही कि जो आपका स्किन टोन है वो डार्कर है और लाइटन हो जाएगा, ऐसा नहीं, मगर जैसी भी स्किन है आपकी ना वो ग्लो करेगी इंस्टेंटली, आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये आपको मॉर्निंग में सुबह उठकर 5 मिनट के लिए आपको ये ज़रूर करना है, सर्कुलर मोशन मसाज करना है 5 मिनट तक, आपको रिजल्ट बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेगी। तो एक बार ये ज़रूर ट्राई करें। जी आपको क्या करना है, एक एलोवेरा लीफ लेनी है, उसको अच्छे से वॉश कर लेना है, फिर उसे बीच से कट कर लेना है, साइड साइड से जो काटे होते हैं उसे रिमूव कर लीजिए। कट करने के बाद फेस पे आपको जेंटली मसाज करनी है 5 मिनट तक, अच्छी तरह से मसाज करनी है। इससे क्या होगा, आपकी स्किन तो डीप क्लियर कंडीशन मिल जाएगी और आपके स्किन टोन इम्प्रूव होगा, बट आपके जो स्किन है वो ग्लो करेगा नेचुरली। तो आप इसे भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छा है। अब बात करते हैं अंडर आईज एरिया और लिप्स के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती हैं विंटर सीजन में। तो इसके लिए मैं एक DIY बनाई हूँ, तो इसके लिए आपको लेना है 1 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल और 1 विटामिन E की कैप्सूल, उसमें से आप 5-6 ड्रॉप्स ले सकती हैं, मैंने नहीं लिया है। आपको क्या करना है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद सोने से पहले, नाइट स्किन केयर हो जाती है उसके बाद, आपको क्या करना था, थोड़ा सा लेना है, ज़्यादा नहीं लेना, थोड़ा सा लेना और पूरे अच्छे से अंडर आइज एरिया में लगानी है और 2 मिनट के लिए आप मसाज भी कर सकती हैं। बहुत ही अच्छा रिलैक्स फील होगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आपको ऐसे करना है, पूरे अच्छी तरीके से पूरे अंडर आईज एरिया में मसाज करनी है 2 मिनट के लिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट डे आप जब फेस वॉश करोगी ना, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपकी स्किन जो अंडर आईज एरिया में कोई ड्राइनेस नहीं होगी, कोई लाइंस नहीं होगी, सब के सब गायब हो जाएंगे, क्योंकि आपने बाहर से ऑयल लगाया है। तो इससे अंडर आईज एरिया स्माइल करेगी, खुश रहेगी। तो ये भी बहुत ही अच्छा, एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा इंस्टेंटली। अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो मेरा नाम है शिल्पी सिंह और मेरे चैनल का नाम है शिल्पी सिंह ट्यूटोरियल्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मेरा वीडियो आपको फ्यूचर में चाहिए तो बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।